नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, सिंधिया तो भाजपा में आ गए, लेकिन भाजपा में आने के बाद भाजपा के जो नेता हैं उनके अब हाल बुरे होने लगे हैं, क्योंकि सिंधिया के आने से बौना हो जाएगा कई भाजपा नेताओं का कद। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य नाथ सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने से प्रदेश के सियासी समीकरण उलट पुलट हो गए हैं। सिंधिया के सामने भाजपा में दिग्गजों के कद भी बौने साबित होंगे, तो दूसरी ओर कांग्रेस अनेक जिलों में लगभग खाली हो जाएगी। अब कांग्रेस को इन जिलों में संगठन पूरी तरह रिफॉर्म करना होगा। जानिए सिंधिया इम्पैक्ट को दोनों पार्टियों में। कांग्रेस कई जिले जो खाली हो जाएंगे, और सिंधिया का सबसे ज़्यादा असर ग्वालियर, संबल, मालवा और बुंदेलखंड अंचल में मिला है। ग्वालियर, संबल में तो पूरा संगठन सिंधिया के इर्द गिर्द घूमता था, इन तीनों अंचलों में इस्तीफों का दौर चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब सिंधिया वर्सेस कमलनाथ दिग्विजय। प्रदेश में सिंधिया की सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से सियासी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले भी पार्टी में सिंधिया का अलग खेमा था, लेकिन उन्हें कमलनाथ और दिग्विजय के साथ नजर भी आना पड़ता था। अब भाजपा की रणनीति में भी कमलनाथ और दिग्विजय से टकराव के लिए सिंधिया के चेहरे को आगे करना होगा। लेकिन अब भाजपा में आने के बाद कई नेताओं के जो दिग्गज नेता है उनका अब कद नीचे जाने लगेगा। सिंधिया के आने के बाद भाजपा में नई कलह शुरू हो चुकी है। सिंधिया के साथ से मंत्री सहित 22 विधायक आएंगे। इनके आने से इन 22 विधानसभा सीटों पर भाजपा के जमे हुए नेताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। वहीं सिंधिया के साथ सैकड़ों समर्थक आएंगे। इनमें से सीधे तौर पर 15 से 20 विधानसभा सीटें प्रभावित होने वाली हैं। भाजपा के लिए आगे चलकर अंदरूनी हालात संभालना बड़ी चुनौती साबित होगी। दूसरी ओर भाजपा के दिग्गजों के कद पर भी असर पड़ने वाला है। तो राजस्थान सहित भारत की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।